जैसा कि देखा जाए, आगे देखते हैं। दूसरा पाठ, निम्न में से मानव की सामाजिक विरासत मानी जाती है। शास्त्रीय अनुबंधन, बचपन में व्यक्तिगत व्यवहार किसके द्वारा प्रभावित होता है? किसके द्वारा? परिवार द्वारा। समाज, शास्त्रीय आधार पर निम्न में से मानव व्यक्तित्व को विकसित करने का मुख्य कारक है? संस्कृति। खेलकूद के अध्ययन की समाजशास्त्रीय शाखा कौन सी है? खेल समाजशास्त्र। विश्व की शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसे कौन सा एक संगठन के रूप में नहीं माना जाता है? कल्ब। प्री कल्ब बालक किसके द्वारा सीखता है? नकल करके। किसके द्वारा? नकल करके। शारीरिक शिक्षा के सामाजिक आधार पर आधार की विवेचना करता है? सहयोग द्वारा। समूह संयुक्त का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सोशियोग्राम। समूह संयुक्त का विकास किस पर आधारित नहीं होता है? अंतर्मुखी व्यवहार। ठीक है, आगे देखते हैं। किस प्रकार का नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है? लोकतांत्रिक। किसके अनुकरण के सबसे बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? शिक्षक, सहपाठी, माता पिता, उपयुक्त सभी। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता। नेतृत्व से सत्ता दिखाई जाती है तथा फैसले लिए जाते हैं। किसका कथन है? आर के डरलिन का। बल का प्रयोग किए बिना किसी समूह से वांछित काम कराने की योग्यता ही नेतृत्व कहलाती है। यह कथन किसका है? ऑलफोर्ड हो बिट्टी का। नेतृत्व प्राप्त करने के साधन है शक्ति, बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति। नेतृत्व ज्ञान है, उपयुक्त सभी है। उपयुक्त सभी है। सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति, सभी स्थितियों में दायित्व उठाने के लिए तैयार करना, प्रभावित करने की प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। नेतृत्व मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करें। ठीक है, आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों का कौन सा व्यक्तिगत गुण विकसित किया जाता है? समूह भावना, शारीरिक क्षमता, सामंजस्य, उपयुक्त सभी। नेतृत्व के व्यवहारवादी उपागम में खामियों से उत्पन्न हुआ नेतृत्व कहलाता है स्थितिजन्य उपागम। इनमें से कौन सा नेतृत्व निष्पावक है? अनुभवनीयता युक्त। सामाजिक दक्षता एक अधिगम्य सामाजिक व्यवहार है जो निम्न किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? सामाजिक निमित्त द्वारा। निम्न में से किसी करिश्मा नेतृत्व का मौलिक तत्व कौन सा है? कौन सा है? प्रभाव डालना। व्यवहार नेतृत्व प्रयास शामिल होता है। कैसे होता है? परिवर्तन नेतृत्व। इनमें से किन उपायों से हम मूल्य, विषयों, विश्वासों और व्यवहार को अर्जित करते हैं? सामाजिकरण द्वारा। व्यक्ति में सबसे प्रमुख सामाजिकरण प्रक्रिया है सामाजिक पारस्परिक क्रिया। आगे देखते हैं। व्यक्ति की सामाजिक विरासत को प्रभावित करता है परंपरा एवं रीति रिवाज। ठीक है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? नेतृत्व को। समाजशास्त्रियों के ने शारीरिक शिक्षा को क्या कहा जाता है? मूल्य आधारित शिक्षा। किसी विशेष उद्देश्य के लिए अल्प समय के लिए निर्धारित समूह किस प्रकार का है? अनौपचारिक समय। कौन सा? अनौपचारिक समय। निम्न में से किसी
स्वैच्छिक समूह का रूप कौन सा होता है? मित्र। व्यक्ति का सामाजिकरण सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? परिवार में। कहाँ पर होता है? परिवार में होता है। आगे देखते हैं बच्चों, खेल के द्वारा सामाजिकरण का रूप में से कौन सा नहीं है? कुसमायोजन। आंतरिक क्रियाओं का मनोवैज्ञानिक संबंध, जिसमें एक समूह के लोग अपने आंतरिक भावों एवं इच्छाओं को साधारण रूप से विकसित करते हैं, कहलाते हैं समूह गतिशीलता। किसी खिलाड़ी को टीम में समायोजित कर सामूहिक, एक सेकंड बच्चों, एक खिलाड़ी को टीम में समायोजित कर सामूहिक रूप से गतिविधि के गुणों को विकसित करने की योग्यता कहलाती है समूह गतिशीलता। निम्न में से शारीरिक शिक्षा की परंपरा है क्या? है विश्व संस्कृति विकास। भारतीय शारीरिक शिक्षा की परंपरा का उदाहरण है योग। किसी समूह को कार्य के प्रति उत्साहित कर उनके कार्य कराने की योग्यता क्या कहलाती है? नेतृत्व कहलाती है। सामाजिकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? अंतःक्रियात्मक। किसी प्रक्रिया द्वारा मानव शिशु एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवर्तन होता है सामाजिकरण द्वारा। किसी व्यक्ति का व्यवहार किशोरावस्था के दौरान किससे प्रभावित होता है? मित्र समूह से। इससे मित्र समूह से होता है। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक स्तर कौन सा? परिवार। प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अर्थव्यवस्था किससे होती है? बाल्यावस्था से। सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्ति के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। किसने कहा था ये? सारे टेल फोड़ के। किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करता है हर लोग का? सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था में। किसमें होता है? किशोरावस्था में। आगे चलते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से किस अवस्था में, एक सेकंड, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समय यस समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों के सभी पक्षों का। सामाजिक अभिवृद्धि तथा विकास से हमारा तात्पर्य स्वयं तथा अन्य लोगों के साथ अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता या कथन किस है? सोरेनसन का। किसका है? सोरेनसन का। विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा किसने दी थी? जॉन डीवी ने। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है सामाजिकरण। सामाजिकरण सरलीकरण में होता है। क्या होता है? सरल कार्यों के प्रदर्शन में सुधार और जटिल कार्यों में प्रदर्शन खराब। ठीक है। निम्न में से कौन सा मानव समूह है के प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? गाँव नहीं है। सामाजिकरण आधार का सिद्धांत किसने बताया? अरस्तु ने। सोशियोग्राम किसका मापन करने का एक साधन है? समूह के सदस्यों के बीच संबंध और आकर्षण। शारीरिक शिक्षा के सामाजिक आधार की विवेचना है उपयुक्त सभी। प्रतिस्पर्धा सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया उपयुक्त सभी है। शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक आचार शास्त्र में क्या शामिल किया गया है? शारीरिक फिटनेस। सामाजिक परस्पर क्रिया से जोड़ने वाला कारक कौन सा है? सहयोग। कौन सा है? सहयोग। आगे देखते हैं, नेतृत्व का समन्वय से कौन सा है? स्वेच्छाचारी शैली। प्रभावशाली टीम वातावरण किसके द्वारा विकसित होती है? सामाजिक समर्थन, समीपन और निष्पक्षता। शारीरिक शिक्षा की समाज शास्त्रीय स्थापना का संबंध है सामाजिकरण प्रक्रिया। लाइफ साइकिल थ्योरी हरे एंड बलान चार्ट किस ने जोड़ी हुई है?
नेतृत्व में, जो नेता अपनी शैली के कार्यों उन्मूलन एवं निर्देशात्मक शैली से अधिक संबंध बनाने और कम निर्देशात्मक शैली से सामाजिक करते हैं, इनमें से किस सिद्धांत की पालना करते हैं? पारिस्थितिकी नेतृत्व सिद्धांत। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नेतृत्व मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? समाज का। किसका? समाजगत है। किसके अनुसार चिंतन केवल ज्ञान की के विशेष कृति क्षेत्र का ही सीमित नहीं है, अपितु सामाजिक समस्या समाधान का विस्तृत है? ड्यूब का। मौलिक सामाजिक शास्त्र का सिद्धांत किसने दिया था? संघर्ष सिद्धांत का। सामाजिकरण एक दूसरे के साथ आने तथा परस्पर सामंजस्य के साथ काम करने तथा समाज के प्रति अपने दायित्व का नियत कथन किसका है? प्लेटो का है। समूह गतिशीलता शब्द का तात्पर्य है समूह की संगठन था। पुरुषों की पारस्परिक विरासत प्राथमिक रूप से प्रतिबिंबित होती है किसमें? परंपराओं और रीति रिवाज में। निम्न से समूह गतिशीलता का रूप होता है एक्स अनुभूति। वह नेता जो निर्णय लेने में सारी स्वतंत्रता की आज़ादी देते हैं एवं समूह गतिशीलता में भाग लेने नहीं लेने उन्हें कहते हैं अतिच्छाकारी। किसी सामाजिक समूह के व्यवहार और संबंधों की सांख्यिक अध्ययन कहलाता है समाज मिति। आगे देखते हैं। टीम के खिलाड़ियों के मध्य एक बार अंतर व्यक्तित्व स्थापित हुए संबंध सदैव रहते हैं, कैसे थे? एक रूप होते हैं। एक तंत्री है नेता का गुण होता है अधीनस्थों को निर्देशित देना। मानव की सर्वाधिक सामाजिक प्रक्रिया है सामाजिक मेल मिलाप। खिलाड़ी टीम के खिलाड़ियों में अंतर व्यक्तित्व झगड़ों का प्राय कारण किसका अभाव होता है? सद्भावना का। किसका? सद्भावना का। भागीदारी प्रकार के नेतृत्व में होती है किसी अधीनस्थों को निर्णय में शामिल करते हैं। अधीनस्थों को किसके सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिए गए हैं? अल्बर्ट बांडूरा का। समय की गतिशीलता शब्द संबंधित है समय की रचना से, एकजुटता से संबंधित कारक है दल संतुलन। सार्क शिक्षा के सामाजिक आधार की चर्चा होती है प्रतिस्पर्धा में, किससे? प्रतिस्पर्धा में। आगे देखते हैं। निम्न से कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत है उपयुक्त? सभी बहुआयामी मॉडल, जीवन चक्र का सिद्धांत, फील्ड का संयोग मॉडल, उपयुक्त सभी। समूह गति की जो समूह के निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है और विनाशकारी हो सकता है उसे कहते हैं समूह सोच। निम्न से स्थिति विशिष्ट सिद्धांत किससे संबंधित होता है? नेतृत्व से। खेल सामंजस्य शास्त्र का संबंध है टीम सामंजस्य। इनमें से कौन सी हमारी सांस्कृतिक विरासत है? कौन सी है? खेल। कौन सी? खेल। समूह संस की व्याख्या करने वाला विद्वान है एल्बर्ट वी केरनी। में से किसका संबंध समूह गति से है? डी कार्ट राइट के द्वारा। खेल में नेतृत्व की धारणा की गई है पी चे लाइट के द्वारा। इनमें से कौन सी एक मौलिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक को प्रभावित करता है क्योंकि यह साधन है जिसके द्वारा मूल्य दाना व्यवहार प्राप्त करता है सामाजिकरण। कौन सी प्रक्रिया में छोटे समूह में छात्रों को एक कार्य पर एक साथ काम करना अक्सर शिक्षक की अपेक्षा कर स्वतंत्र और बिना किसी स्पष्ट दिशा के जिसमें खुले अंतिम परिणाम सामने आते हैं, क्या कहते हैं? समूह जांच। किसी दलगत प्रदर्शन में व्यक्तिगत प्रदर्शन की पहचान गुम हो जाती है तथा उत्तराधिकारी के विचार के कारण प्रदर्शन में दिखाई देने वाला हास्य क्या इंगित करता है? सामाजिक लोफिंग। केरे ने केरे ने केरे ने की
सुचियन सिद्धांत किसका है? नेतृत्व का। नेतृत्व एक व्यवहारात्मक प्रक्रिया है जो केंद्रित होती है निर्धारण निर्धारित लक्ष्य के प्रति व्यक्तियों तथा समूह को प्रभावित करती है। आगे देखते हैं। समूह संकेत का विकास किस पर आधारित होता है? उपयुक्त सभी पर। दल उपादान, नेतृत्व उपादान, पर्यावरणीय उपादान। व्यक्ति में प्राथमिक समूह के रूप में होता है परिवार। नेतृत्व गुण होना चाहिए समायोजन में। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नता का कारण होता है वातावरण परिस्थिति। एक अच्छा नेता अपने समूह को किस प्रकार प्रभावित करता है? व्यवहार से। किससे? व्यवहार से। जो निर्णय लेने में स्वतंत्र प्रदान करता है तथा गतिविधि के समूह सहभागिता तय करता है नेतृत्व कहलाता है प्रजातांत्रिक। क्या करता है? प्रजातांत्रिकी। किसी व्यक्ति के सामाजिक जीवन का आधार माना जाता है कौन सा? परंपरा और संस्कृति। समय गतिशीलता शारीरिक शिक्षा में प्रभाव देखा जा सकता है। गतिविधि संपादन में सामंजस्य। खेलों के द्वारा सामाजिकरण का रूप किस में नहीं देखा जा सकता है? किसके द्वारा? सामाजिक विघटन के रूप में। सामाजिकरण का प्रभाव बालक पर किस प्रकार देखा जा सकता है? बालक के सर्वांगीण व्यक्तित्व पर। विद्यार्थी नेतृत्व चयन विधि नहीं है कौन सी? नहीं है विचार विमर्श नहीं है। भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है योग। विश्व की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है ओलंपिक। क्या जानता है? ओलंपिक। आगे देखते हैं। सौभाग्यता एवं स्वयं साध्य व्यक्तित्व निम्न में से किस समूह के वर्ग में पहचान जाता है? प्राथमिकता से बालक में सामाजिक विकास में निम्न निम्नलिखित क्रियाओं में से किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? प्रतियोगिता का। निम्न से किसे सामाजिकरण कहा जाता है? उपयुक्त सभी। परिवार हुआ, मित्र मित्र समूह, विद्यालय। नेतृत्व का होता है प्रभावित करने की योग्यता। नेतृत्व प्राप्त करने के साधन है शक्ति, बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति। उपयुक्त सभी। मौलिक सामाजिक सिद्धांत है संघर्ष का सिद्धांत। कौन सा कारक मानव समूह ये प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है? गांव नहीं है। समाज विज्ञान के अनुसार निम्न से कौन सा अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है? कौन सा बताया? संस्कृति। मनुष्य के सामाजिक प्रक्रिया में से कौन महत्वपूर्ण कारक है? कौन सा है? सामाजिक तौर पर लोगों के बीच बातचीत। बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव को कहते हैं प्रतियोगिता। किस प्रकार का नेतृत्व टीम निर्माण, संघर्ष, विघटन और नेतृत्व विकास पर ध्यान देता है? सामाजिक नेतृत्व। सामाजिकरण एक दूसरे के साथ आने तथा परस्पर सामंजस्य के साथ काम करने तथा समाज के प्रति अपने दायित्व को निर्वहन करने की प्रक्रिया पर एक परिभाषा की जाती है बोगार्डन के द्वारा। समय गतिशीलता शारीरिक शिक्षा में प्रभाव देखा जा सकता है। गतिविधि संपाद्य में सामंजस्य। आगे देखते हैं। व्यक्तियों का एक अस्थायी समूहीकरण जो एक आम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं कौन से समूह कहते हैं? टास्क समूह। अगर टीम के श्रेष्ठ प्रदर्शन से किसी खिलाड़ी का खराब प्रदर्शन छुप जाता है तो वह उदाहरण कहलाता है टीम का तालमेल। किस नेतृत्व तकनीकी में बातों व विचारों द्वारा लोगों को अभिप्रेरित करता है? रूपांतरण नेतृत्व। नेतृत्व का प्रकार कौन सा है? भावनात्मक नेतृत्व, रचनात्मक नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व। में से किसे ग्रीस की सांस्कृतिक धरोहर कहा जाता है? ओलंपिक को। मानव की धरोहर किसे माना जाता है? खेल को। जिम्नास्टिक को किस देश की धरोहर माना जाता है? जर्मनी को। गलेडियोटोरिस कहाँ सांस्कृतिक परंपरा है? रोम की है। खेल के सामाजिक संपर्क सिद्धांत की अवधारणा किसके द्वारा की गई है? लू
लूमले द्वारा। आगे देखते हैं, समाजशास्त्रीय खेलों को माना जाता है सामाजिक सांस्कृतिक घटना। निश्चित नेता का गुण कौन सा है? उपयुक्त सभी, अनुशासन, आकर्षण, व्यक्तित्व, ईमानदारी। व्यक्तियों का विलयन आपसी पहचान झांसी भावना किस सांस्कृतिक समूह का लक्षण है? किसका है? प्राथमिक समूह है। व्यावसायिक नेतृत्व तत्व निहित होती है व्यवसाय के प्रति समर्पण। निश्चित विरासत में संबंधित कारक है व्यक्ति गुण। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व गुण विकसित होता है। समय भावना में नेतृत्व का गुण होना चाहिए। समायोजन में किसमें? समायोजन में इनमें से कौन सा सिद्धांत सीखने का पार्श्विक पक्ष प्रदर्शन करता है? अवलोकन। कौन सा करता है? अवलोकन। आगे देखते हैं, देखो बच्चों आगे आएगा दार्शनिक के आधार पर आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद टॉपिक है। प्लेटोनिक कौन से प्लेटो 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 की आगे देखते हैं बच्चों। प्लेटोनिक कौन सी विचारधारा जनक है? कौन सी विचारधारा का आदर्शवाद? निम्न से किस प्राचीन दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने का सबसे सशक्त माध्यम है? प्लेटो। प्रयोजनवाद में निम्न से तत्व बल है कौन सा? अनुभव व सत्य परिवर्तनशीलता। प्रयोगवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषता है कौन सी है? कौन सी विशेषता है? व्यावहारिकता एवं उपयोगिता महत्व है। प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम पर आधार माना जाता है बालक का। आदर्शवादी विचारों के अनुसार शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा पर। किस पर? शिक्षा पर होनी चाहिए, शिक्षा पर। आगे देखते हैं, सत्य एवं स्वयं सुंदरम की आवश्यकता आधार पर किस दर्शन पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता है? आदर्शवाद में किस दर्शन के विचार प्रत्यक्ष पर बल दिया जाता है? आदर्शवाद में। प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय होना चाहिए प्राकृतिक आवरण युक्त। समस्त शिक्षा जाति सामाजिक चेतना में भाग लेने से प्रारंभ होती है। यह विचार किस दर्शन का है? किसका? प्रयोजनवाद का। किसने? प्रयोजनवाद का। जो बात मेरे उद्देश्य को पूरा करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन को विकसित करती है, यह वही सत्य। यह कथन किसका है? प्रयोजनवाद का है। शारीरिक शिक्षा संबंधित कार्यक्रमों का दर्शन क्या है? उपयोगितावाद। क्या? उपयोगितावाद। प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है? रूसो का है। कौन सी शिक्षा दर्शन इस बात पर बल देती है कि अनुभव जीवन की कुंजी है? उपयोगितावाद। कौन सा शिक्षा दर्शन शिक्षक को छात्रों के आदर्श प्रतिमान के रूप में परिभाषित करती है? आदर्शवाद। व्यक्तिगत तौर पर अनुभव द्वारा सीखा जाता है कथन किसका है? व्यवहारवाद का। किसका? व्यवहारवाद का। कौन सा दर्शन शास्त्र एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है? प्रयोजनवाद। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है यह कथन अवधारणा किस दर्शन का है? यथार्थवाद का। जॉन डी के ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? प्रयोजनवाद का। किसका? प्रयोजनवाद का। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा दर्शन व्यवहारिकता दक्षता अनुभव पर आधारित है? प्रयोजनवाद। शारीरिक शिक्षा का आधार सुंदर शरीर किस विचार आधारित रहे? आदर्शवाद पर। व्यक्ति का महत्वपूर्ण आदर्श बौद्धिक मानसिक आध्यात्मिक गुण यह कथन किसका है? अरस्तु का है। किस दर्शन के अनुसार शारीरिक शिक्षा जीवन के प्रथम चरण से शुरू होती जाती है? प्रकृतिवाद। कौन सी है? प्रकृतिवाद। कौन सी है? प्रकृतिवाद। खेल क्रीडाओं के बल गति संतुलन के कौशल और नेतृत्व संयोजन नियंत्रण व्यक्ति करता है कथन किसका है? रूसो का है। शिक्षा सर्वगामी सर्वव्यापी है सामंजस्य होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो यह कथन किसका है? कोमेनियंस का। किसका? कोमेनियंस का। सत्य वही है जो सक्षम है यह किस दर्शन के अंतर्गत आता है? यथार्थवाद के। किसके? यथार्थवाद के। आदर्शवाद किस पर आधारित है? आदर्श पर।
प्रकृतिवाद किस पर आधारित है? प्रकृति पर। किस दर्शन के अनुसार शारीरिक शिक्षा का देह आत्मा अभिव्यक्त है? प्रकृति पर। खेलों को खेल की भावना से खेलना यह विचार किस दर्शन का है? प्रकृति का है। सभी विचार मूल्य अर्थात परिवर्तन होते हैं, यह दर्शन किसका है? यथार्थवाद का। किस दर्शन ने कहा है कि अनपढ़ रहने से बेहतर है जन्म न हो, कुविचारित होने से बेहतर है अनपढ़ रहता है? यथार्थवाद का। किसका है? यथार्थवाद का। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा दर्शन प्रकृतिवाद में शिक्षा पर बल देता है? कौन सा प्रकृतिवाद? किस दर्शन के की अवधारणा विकास हेतु शिक्षा प्रदान की गई है? आदर्शवाद। कौन सा दर्शन उद्देश्य सफलता हेतु शिक्षा प्राप्त करता है? व्यवहारवाद। यथार्थवाद का जनक है कौन सा है? अरस्तु है। वह दृष्टिकोण जो ब्रह्मांड को सभी क्रियाओं का संचालन मानता है? यथार्थवाद। शारीरिक शिक्षा का दर्शन माना जाता है संकल्प दर्शन। कौन सा? संकल्प। आगे देखते हैं, ठीक है। प्रयोगवाद के दर्शन द्वारा विकास ना प्रश्न द्वारा किसका प्रतिपादन किया जाता है? पाठ्यक्रम का मूल्य सिद्धांत। शारीरिक शिक्षा का दर्शन शास्त्र किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से। किस दर्शन के अनुसार सत्य और मूल्य निरपेक्ष होते हैं तथा इनकी पूरी दुनिया में भागीदारी होती है? किसके द्वारा? आदर्शवाद में। कौन सा दर्शन विज्ञान सत्य को प्रकट करता है? यथार्थवाद। कौन सा? यथार्थवाद। किस दर्शन के अनुसार सार्वभौमिक का स्वतंत्र अस्तित्व होता है? यथार्थवाद के। दर्शन के घटक जो ज्ञान से संबंधित हैं इसके अनुसार एक तरीका रूप में जाना जाता है। कौन सा है? ज्ञान मीमांसा। निम्न से कौन सा दार्शनिक व्यवहारवाद वाद से संबंधित है? कौन सा है? चार्ल्स सेंट पियर्स। कौन सा दार्शनिक गणित के साथ आदर्शात्मक से जुड़े होते हैं? व्हाइट हेड। आगे देखते हैं, निम्न में से प्रकृतिवाद का समर्थन दार्शनिक कौन है? पेस्टोलॉजी। कौन है? पेस्टोलॉजी। प्रकृतिवाद के अनुसार शारीरिक शिक्षा का देह क्या है? आत्म अभिव्यक्ति का अवसर देना। दार्शनिक दर्शन शास्त्र की परंपराओं सोच को कौन कौन सा दर्शन नहीं आता है? प्रकृतिवाद। उनसे कौन सा दर्शन मन व शरीर की एकता पर बल देता है? प्रकृतिवाद। किस दर्शन के अनुसार स्वस्थ शरीर शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है? कौन सा है? आदर्शात्मक। कौन सा? आदर्शवाद। शिक्षा का सर्वप्रथम लक्ष्य बालक की अंतर्निहित क्षमताओं का स्वतंत्रता वातावरण में विकास करना किस दर्शन को माना जाता है? प्रकृतिवाद। प्रयास त्रुटि का सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? प्रयोजनवाद पर। इनमें से किस दर्शन ने कहा कि मनुष्य को प्राकृतिक रूप में स्वतंत्र होना चाहिए? हर्बर्ट स्पेंसर ने। इनमें से कौन सा दर्शन बालक को उसकी क्षमता के अनुसार विकास अवसर प्रदान बल देता है? उपयोगिता। किसके अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ की आत्मा संरक्षण भली प्रकाश करता है? कौन सा? प्लेटो। कार्य और कारण पर आधारित कौन सा दर्शन माना जाता है? यथार्थवाद। यथार्थवाद के अनुसार ब्रह्मांड का वास्तविक बल किसे माना जाता है? शरीर को। आदर्शात्मा की उत्पत्ति में किससे मानी जाती है? विचारवाद से। किससे? विचारवाद से। कौन सा दर्शन आदर्शात्मक विरोध का माना जाता है? उपयोगितावाद और यथार्थवाद। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके द्वारा होता है? आदर्शात्मक। आदर्शवाद में किस पर आधारित होता है? विचार पर। प्रकृतिवाद में किसे सर्वोच्च शक्ति है? प्रकृति की। दर्शन शास्त्र मार्गदर्शन करता है मनुष्य के विचारों और क्रियाओं में है जीवन के सभी चालों को। आगे देखते हैं, इनमें से किसे दार्शनिक में शरीर मन के संबंध को सर्वप्रथम बताया गया है? प्लेटो ने। शारीरिक शिक्षा के दर्शन शास्त्रीय आधार पर प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? प्रकृतिवाद। किसे भौतिकवाद दर्शन कहा जाता है? प्रकृतिवाद। व्यक्तित्व का
किस पर दर्शन प्रमुख संबंध है अस्तित्ववाद का, किसका, अस्तित्ववाद का। आगे देखते हैं, निम्न में से किस दर्शन का आध्यात्मिक आध्यात्मिकता कहा जाता है, दर्शनवाद आदर्शात्मक को। आदर्शात्मक का अग्र किस दर्शन को कहा जाता है, प्रयोजनवाद को। किस दर्शन को शारीरिक शिक्षा में प्रयोगात्मक कहा जाता है, उपयोगितावाद को। उपयोगितावाद का जनक कौन है, जॉन डीवी। कौन है, जॉन डीवी। सत्य की खोज वैज्ञानिक ढंग से ही की जा सकती है, किसने, यथार्थवाद का। किस दर्शन के अनुसार क्रीड़ाओं केवल करने से ही सीखी जाती हैं और प्रयास और टूटी के नियमों के अनुसार शिक्षा क्रम चलता है, के प्रयोजनवाद को। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम का निर्धारण बच्चों के कार्यक्रम को केंद्र मानकर कौन कौन सा दर्शन करता है, प्रयोजनवाद। किस दर्शन में अध्यापक को प्रेरणात्मक व्यक्तित्व पर बल दिया जाता है, आदर्शात्मक को। इसको आदर्शात्मक को। आगे देखते हैं,